हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनिम की बात। आज 10 अप्रैल को हम एनिम न्यूज़ का सेकंड वीडियो बना रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ इसमें यह है कि बाकी का नया सीजन नेटफ्लिक्स ने अनाउंस कर दिया है और ये प्रीहिस्टोरिक वॉरियर पिकल के ऊपर बेस्ड है। मैं आप लोगों को ट्रेलर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें एक क्रिएचर रहता है पिकल, जो कि डायनासोर के जमाने से बर्फ में दबा हुआ था, पर अब वो बाहर आ गया है और उसे अब किसी से लड़ना है। इसके सीजन 2 की ऑफिशियल डेट अभी तक नहीं आई है, जैसे ही वो ऑफिशियल डेट्स आ जाती है मैं आप लोगों को बता दूंगा। जो अगली न्यूज़ है वो अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड है, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अटैक ऑन टाइटन का वो लास्ट एपिसोड होने वाला है। अब अटैक ऑन टाइटन के जो बाकी के एपिसोड्स हैं वो 2023 में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसमें 4 एपिसोड्स लॉन्च होंगे और एक एपिसोड 1 घंटे का होगा। तो इस तरह से अटैक ऑन टाइटन का जो फाइनल सीजन है वो 3 साल तक चलेगा, 2021, 2022, 2023। अब इस वीक की सबसे बड़ी न्यूज, 6 मार्च को टोई एनिमेशन ने ये अनाउंस किया था कि उन पर किसी थर्ड पार्टी ने रैनसमवेयर अटैक किया था। रैनसमवेयर अटैक में ऐसा होता है कि आपकी कुछ चीजों को जिस तरह से किडनैप किया जाता है उस तरह से अटैकर अपने पास रख लेता है और उनके बदले में आपसे पैसा मांगता है। जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को बता दूं कि टोई एनिमेशन एक एनिमेशन स्टूडियो है जिसने वन पीस, डिजिमॉन, घोस्ट गेम, ड्रैगन बॉल जी, ड्रैगन बॉल सुपर और ड्रैगन क्वेस्ट जैसे एनिम्स को एनिमेट किया है। तो टोई एनिमेशन ने कंफर्म किया कि उनके ऊपर ये अटैक हुआ था, जिसके कारण उनका जो भी काम है वो डिले हो गया है। वन पीस और डिजिमॉन के प्रोड्यूसर्स ने ये अनाउंस किया है कि 17 अप्रैल से ये फिर से नए एपिसोड्स को लॉन्च करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा ड्रैगन बॉल सुपर मूवी जो 22 अप्रैल 2022 को जापान में रिलीज होने वाली थी, उसकी रिलीज डेट भी पोस्टपोन कर दी गई है और उसकी नई रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं की गई है। तो जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है इस रैनसमवेयर अटैक के कारण वो ड्रैगन बॉल के फैंस को हुआ है, क्योंकि उनकी मूवी जो है वो और ज्यादा डिले हो गई है। इसके अलावा ड्रैगन बॉल सुपर और डिजिमॉन द एडवेंचर इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं हिंदी में, उनकी भी ऑफिशियल डेट अभी तक रिलीज नहीं की गई है। जैसे ही पता चलता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद एक और न्यूज है, जुजुत्सु काइजन जीरो मूवी से रिलेटेड। ये मूवी नॉर्थ अमेरिका में मार्च में रिलीज की गई थी और इस मूवी ने अभी तक $30 मिलियन कमा लिए हैं। उसके अलावा वर्ल्ड वाइड इस मूवी का टोटल कनेक्शन $162.9 मिलियन हो गया है, और जब ये मूवी बनी थी तब प्रोफेशनल्स ने एक्सपेक्ट किया था कि इस मूवी की टोटल अर्निंग $85 मिलियन होगी, लेकिन इस मूवी ने अभी तक, जो कि वर्ल्ड वाइड रिलीज भी नहीं हुई है, $162.9 मिलियन कमा लिए है। और इसी बात पर इस मूवी की जो इंग्लिश डबिंग आर्टिस्ट है तारा जेन सैंड्स, उन्होंने इस बात पर गुस्सा वो किया है कि मूवी इतना ज्यादा कमा रही है और हमारी फीस जो है इतनी कम है। इन्होंने इस मूवी में पोमो और उता हिमे की वॉइस को डब किया है और इन्हें सिर्फ $150 इस काम के लिए मिले हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।